मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक वीडियो हाल के दिनों में काफी वायरल हुआ। ये वीडियो एक सरकारी स्कूल का था जिसमें एक बंदर प्रिंसिपल की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इतना ही नहीं, काफी मशक्कत के बाद वो बंदर वहां से भगाया गया और इस दौरान स्कूल के अंदर और बाहर और आसपास बंदरों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। अब इस घटना के बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है, शौक ने कहा, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हकीकत यह है, इखुदर की हर बड़ी कुर्सी पे अंजाम मुल्क क्या होगा। और इस शेयर के साथ उन्होंने ये खबर को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर निशाना भी साधा है। आपको यहां पर बता दें कि ये घटना ग्वालियर की एक सरकारी स्कूल की है। स्कूल खुलते ही वहां बंदरों की एक टोली पहुंच गई, जिसके बाद बंदरों ने स्कूल में खूब हुड़दंग मचाया। क्लासरूम और प्रिंसिपल के ऑफिस तक बंदर पहुंच गए। हद तो तब हो गई जब एक बंदर ने प्रिंसिपल की कुर्सी पर ही कब्जा जमा लिया। प्रिंसिपल की कुर्सी खाली कराई गई और बंदरों को बहुत मुश्किलों के बाद भगाया गया। हाँ, लगता क्यों नहीं लगता, बच्चों का कोई काट कूट ले, नुकसान करेगा बच्चों का। कब से यहाँ पे बहुत दिन अभी बहुत दिनों में आए, कभी 15-20 दिन पहले आए थे, फिर आ गए। और आप क्या चाहते हैं जी? वो क्या नाम है, ले जाए बन वाले पकड़ के उनको। अच्छा है तो उन्हें, बच्चों का कुछ हानि हो जाए, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ज्यादा परेशान कर रखा है उन लोगों ने। सर ये बंदर अभी मतलब आए थे और कुछ दिन पहले, और अभी आए हैं ये अंदर क्लास में चले जाते हैं। डर लगता है। हाँ सर, कब से हैं यहाँ पे? सर काफी दिन हो गए, मतलब बीच बीच में आते हैं। और पकड़ने नहीं आया कोई? नो सर। क्या चाहते थे? बताया जा रहा है कि लंबे समय के बाद 11वीं और 12वीं के स्कूल शुरू होने पर प्रवेश लेने के लिए छात्रों और उनके अभिभावक स्कूल पहुंचे थे। स्कूल खुलते ही वहां करीब 5-6 बंदरों का दल भी पहुंच गया और छोटे बंदरों ने प्रिंसिपल के कमरे में धावा बोल दिया। हालांकि बाद में इन बंदरों को भगा दिया गया था। और अब इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM के अध्यक्ष है, उन्होंने तंज कसा है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।